हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज आप लोगों के साथ फिर आपका भाई विराट, और आज हम आपको एक स्पेशल जगह घुमाने ले चल रहे हैं जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट। वहां का सबसे जो प्रसिद्ध मंदिर है थावे मंदिर है, तो वहां हम आपको ले चलेंगे। और हमारी जो गाड़ी ली गई है तो उसका भी पूजा करा लेंगे थावे में, और आपको दिखाएंगे पूरा गोपालगंज थावे का व्यू। तो चलिए ले चलते हैं हम आपको थावे मंदिर घुमाने, लेट्स गो। तो यहाँ गाड़ी भी लग चुकी है, तो अब गाड़ी में बैठेंगे और फिर निकलेंगे हम थावे के लिए। तो चलिए फिर चलते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं फाइनली थावे मंदिर, आप लोग को रास्ता दिखाए हैं। तो यहाँ से अब हम आपको अंदर मंदिर का व्यू दिखाते हैं, क्योंकि दशहरा जस्ट खत्म हुआ है। तो यहाँ पे भीड़ तब भी है, लेकिन जो दशहरा के टाइम में, दशहरा में जो भीड़ था उतना नहीं है। तभी समय है यहाँ पे, और सुबह मॉर्निंग हो रहा है, एकदम 8 बज रहा है। तो अभी हम आपको पूरा व्यू दिखाएंगे थावे मंदिर का। तो चलिए ले चलते हैं आपको थावे मंदिर पर। ये जो मंदिर है, जो सामने दिख रहा है, यही है थावे मंदिर। और इसके जब अंदर चलेंगे तो वो भी आपको व्यू दिखाएंगे। अभी थोड़ा सा भीड़ कम है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। मतलब दशहरा खत्म हुआ, हम आपको बताए ही, इसीलिए थोड़ा सा भीड़ कम है। हमारी गाड़ी जो लगी हुई है वो पीछे साइड लगी हुई है, तो उधर ही पूजा होगा हमारी गाड़ी का। यहाँ जब आप सामने से देखेंगे तो ये पूरा एक लाइन पूरा प्रसादी मिलेगा आपको, और इधर भी प्रसादी का पूरा पट है, यहाँ सामने भी, और यहाँ बीच में मंदिर है। तो मंदिर बीच में, दोनों साइड आपको प्रसादी का मिलेगा, और आप इधर अपना चप्पल जूता भी खोल सकते हैं। तो खोल के ही फिर अंदर मंदिर में जाएं। मंदिर के जस्ट लेफ्ट साइड से एंट्री गेट है, यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं मंदिर में, और राइट साइड से इसका निकलने का द्वार है। तो अभी हम अंदर चलेंगे मंदिर के, फिर हम आपको अंदर का व्यू, जय माता दी, अंदर का व्यू दिखाएंगे पूरा। तो अभी हम यहीं से, ये जो दशहरा में बनाया गया था ये, ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार का, गोपालगंज जिला का, मतलब सबसे जाना माना जो मंदिर है वो थावे मंदिर है। यहाँ मतलब लोगों का कुछ भी अगर नया होता है या फिर घूमना होता है तो थावे मंदिर ही आते हैं। तो देखिए यहाँ से एंट्री करेंगे अभी हम अंदर, और ये सामने जो पट दिख रहा है वो थावे मंदिर का, माता का वो है। तो अभी हम ले चलते हैं अभी आपको अंदर, और अंदर का भी व्यू दिखाएंगे। तो अभी हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर, और आपको दिखाते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो वहाँ का भी वीडियो, अंदर का शायद फ़ोन अलाउ है या नहीं, नहीं पता हमको भी। आप देख सकते हैं अभी कि कितना भीड़ है, पीछे तक पूरा लाइन लगा हुआ है, इधर भी। ले चलते हैं हम इधर साइड में, हम आपको दिखाते हैं मंदिर का, क्योंकि जब आए हैं आज थावे मंदिर, हम पटना से स्पेशली थावे ही आए हैं घूमने के लिए, तो यहाँ का ब्लॉग पूरा कंप्लीट हम आपको दिखाएंगे। अब थावे मंदिर का नाम तो हर कोई सुना ही हुआ है, अगर आप बिहार से देख रहे हैं मेरा वीडियो तो जाना माना जगह है थावे मंदिर। दशहरा में आते हैं तो शायद यहाँ आपको दर्शन करने में आपके पसीने छूट सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे भी आते हैं तो आप भीड़ देख सकते हैं। अभी हम फ्राइडे को आए हुए हैं,
दशहरा जस्ट 2 दिन पहले खत्म हुआ है, फिर भी आप भीड़ का कंडीशन देख सकते हैं अंदर लाइन में। अंदर आप 1 से 2 सेकंड तक ही रुक सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा रुकिएगा तो फिर दिक्कत होगा, क्योंकि भीड़ और ज्यादा बढ़ते जाएगी। आप देख सकते हैं आस्था के प्रति जो प्रेम है हम लोगों का, वो आपको साफ दिख रहा है यहाँ इस भीड़ के साथ। आप समझ सकते हैं कि हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि दशहरा जस्ट खत्म हुआ है, उसके बाद भी भीड़ जो है बहुत ज्यादा है। अंदर से रोक के भेजा जा रहा है ताकि ज्यादा गैदरिंग ना हो अंदर में। यहाँ पूरा अंदर में प्रशासन का भी व्यवस्था है, आप देख रहे हैं सामने में, ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जाए। और ये मंदिर जो है ना भाई साहब, अगर आप गोपालगंज के आसपास कहीं भी आ रहे हैं तो एक बार जरूर थावे मंदिर विजिट कीजिए। यहाँ की जो माता है ना, वो आपकी जरूर भी जो भी विश होगा जरूर पूरा करती हैं। ऐसे ही इनका नाम पूरे बिहार में नहीं है, इसलिए अगर आप आसपास हैं गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के तो जरूर आएं थावे मंदिर घूमने। और घूम के अभी और भी चीज इसका दिखाएंगे, जो यहाँ का सबसे प्रसिद्ध चीज है वो दिखाने वाले हैं हम अभी आपको। सच बोलूं तो मंदिर का ब्लॉग बना के बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे ही हम इस्कॉन टेम्पल भी गए थे, वहाँ भी बहुत अच्छा लगा था। और इसके बाद अभी हनुमान मंदिर पटना का ब्लॉग बनाना है, वहाँ का ब्लॉग अब जस्ट यहाँ से इसके बाद 1-2 ब्लॉग के बाद वो पटना का ब्लॉग आएगा। तो अभी थावे मंदिर का ब्लॉग बना रहे हैं और सुबह सुबह उठ के आ गए हैं यहाँ पे नहा धोवा के, ताकि चलते हैं माता के दर्शन करते हैं, मनोकामना जो भी पूरा हो। तो चलिए अभी आपको भी दिखाएंगे और बाहर से व्यू मंदिर का। और यहाँ का जो सबसे प्रसिद्ध चीज है, शायद आप अगर गोपालगंज और थावे का नाम सुन रहे हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ का जो मिठाई होता है पिड़ुकिया, वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। पूरा बिहार यूपी में फेमस है ये पिड़ुकिया। जहाँ पे ये पिड़ुकिया बनता है वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। अंदर का जो माता का जहाँ पे विराजमान है वहाँ का वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है यहाँ पे। और गेट भी अंदर का बंद है, देखिए देख सकते हैं आप वहाँ पे गेट बंद है। तो आप बाहर से ही जो दर्शन करना है अंदर पंडा बाबा हैं उनको दीजिए प्रसादी वहाँ से। तो जस्ट दशहरा बीता है इसलिए यहाँ पे भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ये जो विधि व्यवस्था प्रशासन के तरफ से किया गया है वो है। मंदिर से दर्शन करके बाहर निकलेंगे तो हम बताए ही थे कि मंदिर के लेफ्ट साइड से एंट्री गेट है, और जस्ट इसके अभी अंदर से जब निकलेंगे तो यहाँ लेफ्ट साइड में यहाँ इसका निकास द्वार है, तो यहाँ से आप निकलिए। और फिर अगर हम लोग को अभी अपने गाड़ी का पूजा करवाना है तो वो भी कराएंगे और वो भी दिखाएंगे हम आपको। तो अभी हम चलेंगे अपने गाड़ी का पूजा कराने, क्योंकि मंदिर भी घूमेंगे और पूजा भी कराएंगे, हम आपको पहले ही बताए हुए थे। तो चलिए अभी हम आपको पूजा का वीडियो दिखाते हैं थोड़ा सा, उसके बाद और दिखाएंगे। तो अभी गाड़ी का भी पूजा हो चुका है, तो अभी हम आपको ले चलेंगे सबसे फेमस चीज़ पिड़ुकिया के दुकान पे, तो वहाँ दिखाएंगे हम आपको और लेंगे भी प्रसादी। प्रसादी के रूप में पिड़ुकिया लिया जाता है यहाँ से। तो चलिए अब चलते हैं वहाँ पे। गौरी शंकर का जो दुकान है भावे नगर आप आते हैं तो सबसे पुराना जो दुकान है वो यही है, गौरी शंकर शुद्ध मिष्ठान भंडार। इसके प्रोपराइटर हैं दीनानाथ प्रसाद, तो ये जरूर देख लीजिए, तभी भटकिए इधर उधर, क्योंकि यहाँ आपको 100 दुकान मिलेगा। यहाँ आइएगा तब आपको शुद्ध देसी घी का पिड़ुकिया मिलेगा, और खाइए ले जाइए घर, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मिठाई है यहाँ का, प्रसाद है। तो अभी हम फाइनली आ चुके हैं पिड़ुकिया के दुकान पे, और पीछे आप देख रहे हैं कि पिड़ुकिया है। यहाँ 2 टाइप का पिड़ुकिया मिलता है, तो चलिए वो भी पूछ देख लेते हैं कैसे है। ये देखिए एक पिड़ुकिया ये है, इसका प्राइस है 200 रुपये के जी। एक पिड़ुकिया यहाँ पे है जिसका प्राइस है 300 रुपये के जी। तो ये शायद इसका क्या खासियत है भैया? अच्छा, ये प्योर देसी घी में, इसीलिए इसका प्राइस 300 रुपये है। ये जो 300 रुपये के जी पिड़ुकिया यहाँ मिलता है, इसका 300 रुपये प्राइस है, क्योंकि ये प्योर देसी घी में बनता है। अगर आप हैं पटना गोपालगंज के आसपास हैं, थावे आ रहे हैं, तो पिड़ुकिया लेके जरूर जाइए, क्योंकि यूपी बिहार में सबसे ज़्यादा फेमस मिठाई जो है थावे का वो पिड़ुकिया ही है। और अब सब कोई, क्योंकि हम लोग कहीं भी जाते हैं यूपी में तो लोग यही बोलते हैं कि पिड़ुकिया लेके आइए,
तो इसीलिए अभी हम लोग आए हैं प्रसाद के रूप में ये लेने, फिर लेके निकलेंगे अपने घर। तो अभी हम लोग वापस घर के लिए निकल चुके हैं, हमारा पूजा भी हो गया गाड़ी का। तो फाइनली ब्लॉग को करते हैं यहीं पे द एंड, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, टाटा।